बिहार विधानसभा चुनाव जब होने वाला था उस दौरान एनडीए से एलजेपी ने खुद को साइड कर लिया था। एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी। चिराग पासवान एनडीए से साइड हो गए और बिहार चुनाव में उन्होंने एनडीए के प्रत्याशियों को विशेषकर जेडीयू के प्रत्याशियों को काफ़ी उन्होंने नुकसान पहुँचाया। चुनाव खत्म हुआ, किसी भी तरीके से एनडीए की वापसी हुई, बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन चिराग पासवान कहाँ है? बार बार लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान चुनाव के बाद कहाँ गायब हो गए। चिराग पासवान सांसद हैं जमुई से और चुनाव के बाद बिहार में दिख नहीं रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई है वो आपको चौंका सकती है। विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला है कि अब चिराग पासवान को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। दरअसल अब वह केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, ऐसी संभावनाएँ बताई जा रही है। खरमास चल रहा है और खरमास के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला मोदी गवर्नमेंट लेने वाली है कि बिहार से चिराग पासवान, सुशील कुमार मोदी और जेडीयू के एक नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। आपको पता है कि रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री थे, उनका निधन कुछ महीनों पहले ही हुआ है और ऐसे में अब यह चर्चाएँ काफ़ी तेज़ हो गई थी कि चिराग पासवान को उनके जगह पर मंत्रालय दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान जो कुछ भी हुआ, एनडीए से चिराग पासवान ने खुद को अलग कर लिया। हालांकि ये भी कहा, वो लगातार कहते रहे कि बीजेपी के साथ वो हमेशा से बने हुए हैं, पीएम मोदी के साथ वो हमेशा से हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं, वो उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। तो ये चर्चाएं तो उस वक्त भी थी कि बीजेपी इनको लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाने वाला है। हालांकि बयानबाजी होती रही, लेकिन चुनाव खत्म हुआ उसके बाद ना तो चिराग दिखाई दिए और ना ही चिराग को लेकर किसी भी तरह का कोई बयान आया। और अब जब बिहार के बाद कई अन्य राज्यों में चुनाव होना है तो इसको लेकर खबर आ रही है कि कई राज्यों से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई नेताओं को शामिल किया जाएगा। आपको पता है 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ और पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री का की शपथ उन्होंने ली, तो उसके बाद जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसके बाद अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। करीब 1.5 साल हो चुके हैं और कैबिनेट विस्तार नहीं हुए हैं, तो इसको लेकर ये ज़्यादा चर्चाएं हो गई है कि अब खरमास के बाद पीएम मोदी अपने कैबिनेट का विस्तार करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण नाम शामिल है, जिसमें चिराग पासवान भी शामिल हो सकते हैं। जेडीयू के भी नेता इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। सबसे ऊपर नाम आरसीपी सिंह का आता था, हालांकि अब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू का बना दिया गया है, तो अब उनकी दावेदारी कमजोर बताई जा रही है। और इस बार ललन सिंह की उम्मीदवारी देखी जा रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। वहीं सुशील कुमार मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और हाल ही में राज्यसभा सांसद मनोनीत हुए हैं, अब वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ऐसी भी चर्चाएँ हैं। वहीं इसके अलावे पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल चुनाव को देखते हुए मुकुल राय को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। कई नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, क्या कुछ नया मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन चिराग पासवान को लेकर क्या जेडीयू मानने के लिए तैयार रहेगी, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर जेडीयू ने चिराग और जेडीयू में खटास जो उत्पन्न हुआ था, तो ऐसे में ये था मुश्किल है कि चिराग पासवान और जेडीयू के मंत्री एक साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो पाए। हालांकि जो कुछ भी होगा, हेडलाइंस बिहार आप तक पहुंचा रहा है। तमाम अपडेट्स के लिए आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।